दोस्तों बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। टीम की अनाउंसमेंट से पहले बीसीसीआई ने यह बात बता दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वाइड बॉल फॉर्मेट से रेस्ट लिए हैं और वह सिर्फ अभी टेस्ट खेलने वाले हैं और मोहम्मद शमी इस वक्त इंजर्ड हैं और वह टीम का हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ओडीआई की टीम में यूजी चहल की वापसी हुई है। वही यूजी चहल जिन्हें पहले टी20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाता है, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाता है, एशिया कप नहीं खिलाया जाता है और जैसे ही कोई सीरीज आता है तो वह टीम में वापस आ जाते हैं। और ओडीआई की टीम में संजू सैमसन का भी वापसी हुआ है और टेस्ट की टीम में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दिया गया है। बीसीसीआई टी20 में कप्तान सूर्य कुमार को बनाए हैं जबकि ओडीआई में कप्तान केएल राहुल हैं। सबसे पहले हम टी20 की टीम देखते हैं। टी20 की टीम में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार कैप्टन है, रिंकू सिंह, सरेश अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा। वहीं रविंद्र जडेजा को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। वाशिंगटन सुंदरम, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, असरदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चहर। अब बात कर लेते हैं ओडीआई की टीम की। ओडीआई की टीम में ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, सरेश अय्यर, केएल राहुल, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदरम, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, असरदीप सिंह, दीपक चहर। यह रही ओडीआई की टीम। अब बात कर लेते हैं टेस्ट की टीम की। टेस्ट की टीम में रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सरेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह इस टीम के वाइस कैप्टन हैं और प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद शमी अगर इंजरी से ठीक हो जाते हैं तो वह टीम का हिस्सा बन जाएंगे। मोहम्मद शमी पे स्टार है। वहीं आप लोग कमेंट में बताइए यह टीम आप लोगों को कैसी लगी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।